हेलो दोस्तों नमस्कार, हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये लाइन आप पढ़िए जहां पे लिखा है टू श्री भूपेंद्र यादव जी मिनिस्टर ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे आप देखेंगे सीबीटी ईपीएफओ की तरफ से जो ये अपडेट सामने निकल के आ रही है नई दिल्ली की तरफ से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टील प्लांट एम्प्लॉयज यूनियन की तरफ से ये जो तो लिखा गया है जो मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे जो सीटू की तरफ से ये अपडेट है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को कोई नहीं रोक सकता है। जहां तक मैं आपको बता दूं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जो अपडेट सामने निकल के भी आई है, इस अपडेट से तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आएगी सामने, क्योंकि यहाँ पर आप सीधा देख सकते हैं टू लिखा हुआ है, उसके आगे आप देखेंगे तो लिखा है श्री भूपेंद्र यादव जी, और आगे क्या लिखा हुआ है आपको बता दूँ, मिनिस्टर ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड चेयरमैन सीबीटी ईपीएफओ को ये जो तो पत्र भेजा जा चुका है। रिस्पेक्टेड सर, आप आगे जैसे पढ़ेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा रिस्पेक्टेड सर है, और ये सब्जेक्ट की लाइन है, आप पढ़ेंगे तो दिल आपका बाग बाग हो जाएगा। यानी कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर जो मामला था, यहाँ पे आगे पढ़ेंगे रिस्पेक्टेड सर रिक्वेस्ट टू इमीडिएट रिलीज ऑफ ईपीएस 95 हायर पेंशन कैलकुलेटर एंड टू रिजॉल्व दिस इशू। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के संबंध में जो इशू है हायर पेंशन से लेके जो कैलकुलेटर से लेके संबंधित मामला है उसे तुरंत के तुरंत रिलीज करने की बात कही गई है। इसके लिए एक रिक्वेस्ट किया गया है, ये एप्लीकेशन लिखा गया है और किनके तरफ से लिखा गया ये भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे C2 ऑफिस की तरफ से सेक्टर 2 की तरफ से जो यहाँ पे भेजा गया है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि कल के ही डेट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके पेंशन वृद्धि को लेके जो स्टैंडिंग कमेटी में बैठक होने वाली है जहाँ पे बहुत सारी संस्थाएं आने वाली, वहाँ पर स्टील प्लांट एम्प्लॉयमेंट यूनियन की संस्था भी जाने वाली है और सीटू की तरफ से वहाँ पे भाग लिया जाएगा जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। बाकी इस पेपर को मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको लगा दूंगा, ये जो जानकारी है इस जानकारी को व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दूंगा, वहाँ उस ग्रुप में जाके आप लोग देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बहुत बड़ी अपडेट है, हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसमें और भी बहुत सारे इसमें लिखा गया हो कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर जो समस्याएँ आ रही हैं, जो परेशानियाँ आ रही, उन परेशानियों को फटाफट से किया जाए ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि हो सके। और ऑलमोस्ट यहां पे आप देख सकते हैं कि 3 महीने में ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो कैलकुलेटर और साथ ही साथ में जो इनमें ऑप्शन फॉर्म को भरा जा चुका है, लेकिन अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन में वृद्धि नहीं हो पाई है और भी बहुत सारी जानकारियां हैं इसमें। हालांकि इसके ऊपर तो मैं अलग से अपना वीडियो बनाऊंगा। सबसे बड़े ये जो खुशखबरी सामने निकल के आई है, इस खुशखबरी को मैं आप लोगों के बीच में देना चाहता था। बाकी इसके हिंदी लेटर जो है, हिंदी लेटर भी मैं आप लोगों के बीच में लेके आऊंगा, इंग्लिश भी लेके आऊंगा। ये लेटर अगर आपको चाहिए तो फटाफट से आप हमारे चले जाइए व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ में अगर आपको चाहिए तो इसे मैं अपने यूट्यूब के पेज पे भी डाल दूंगा, तो कहीं से भी आप इस पेपर को देख सकते हैं, कहीं से भी इस पेपर को आप ले सकते हैं, इस पेपर को पढ़ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, काफी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन था। और ईपीएस 95 पेंशन धारक अगर आप हैं और सच में हमारे वीडियो को देखते हैं तो प्लीज चैनल पर कुछ ना कुछ कमेंट जरूर डाल दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। नमस्कार।